अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका सारिका जाकर किचन में। और आज मैं बनाऊंगी अंडे का हलवा। तो ये अंडे का जर्दी है, ये लगभग आपका 4-5 अंडे की जर्दी को फेंट ली हूँ। दूध लगेगा 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा, चीनी लगेगा, क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिएगा मीठापन। और इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट भी डालूँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले दूध और ये जो अंडा की जर्दी है इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये दूध में पूरा अंडे की जर्दी को इस तरह डाल दूंगी और मिक्स कर लूँगी। उसके साथ साथ मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और चूल्हे पे चढ़ा लूँगी और धीमी आंच में चलाते हुए ही पका लेना है इसको। तो देखिए ये चलाते चलाते कितना गाढ़ा हो गया है। और इसको धीमी आंच में अभी रख दीजिएगा और चलाते हुए ही पकाना है, इसको छोड़ना नहीं है वरना नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। तो देखिए ये धीरे 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 हलवे के शेप में आ जा रहा है। तो आप लोग भी घर में ज़रूर से ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा रहता, हेल्दी भी है। हलवा का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालूंगी कस्टर्ड पाउडर थोड़ा से दूध में घोल के, और उसके साथ साथ चला लूंगी। धीमी आंच में चलाते चलाते इसको पका लेना है। तो देखिए मैं कढ़ाई में ट्रांसफर कर ली हूँ स्टील की डेगची में। थोड़ा हल्का दाग लग जा रहा था, तो इसीलिए कढ़ाई में, कभी भी आप हलवा वाला बनाएं तो कढ़ाई की डेगची में, सॉरी कढ़ाई में ही बनाएं, ता स्टील की डेगची में ना बनाएं, क्यों बोलो दूध का सामान जल्दी चिपकने खोजता है, जलने खोजता है स्टील की डेगची में। तो देखिए हमारा हलवा कितनी अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। अब इसी में मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा देसी घी, 1 चम्मच भर के देसी घी डाल दूंगी। धीरे धीरे चलाते हुए इसको पका लेना है। तो ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ और थोड़ा से ड्राई फ्रूट सजाने के लिए रख दूंगी ऊपर से। देखिए हलवा कितना गाढ़ा होने लगा है। आज प्लीज आपको अगर मेरी बनाई रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको मेरी बनाई रेसिपी कैसी लग रही है। तो ये देखिए हलवा कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गया है, अंडे का बना हुआ हलवा। देखिए अब इसको मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रखूंगी। तो चलिए फिर इसको तवे में प्लेट में ट्रांसफर करती हूँ। प्लेट में पहले से ही तेल लगा ली हूँ मैं, घी या तेल जो भी आपके पास है वो लगा लीजिएगा। और इस तरह से इसको फैला देंगी चम्मच की सहायता से ही, क्यों बोलिए बहुत गर्म गर्म है ये। हल्के हाथों से इसको पूरा चारों तरफ से फैला लीजिएगा। अब इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। तो देखिए हमारा बनाया हुआ हलवा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद इसको कट करती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अंडे का हलवा कितनी अच्छी तरह बन गया है। और आपको अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो देखिए आप इस तरह से भी खा सकते हैं या फिर इसको बिना सेट करके भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए फिर विदा लेती हूँ दोस्तों। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।